Hello people of the internet, welcome back to my channel. My name is Tumpa and winters aane wale hain, to maine socha ki aaj ek video banate hain kuch aise products pe jo normal to dry skin wale use kar sakte hain. So yeah, jo products main aaj dikhaungi wo bilkul hi perfect hain normal to dry skin wale logon ke liye. और इसमें सीरम भी है, मॉइस्चराइजर भी है, हाइड्रेशन वाला फेस मिस्ट भी है, बहुत कुछ है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड बिफोर वी गेट स्टार्टेड यू नो व्हाट यू हैव टू डू. इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट विच आई हैव इज फ्रॉम द ब्रांड लोटस हर्बल्स एंड ये है वाइट ग्लो जेल क्रीम. सो दिस इज लोटस जेल क्रीम और इसका छोटा वाला मैंने पहले मंगाया था. मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद आया गाइज और अब मैंने इसका बड़ा वाला मंगाया है. सो दिस इज वन प्रोडक्ट जो आप एक्चुअली सिर्फ डेली यूज में ही यूज नहीं कर सकते. इसके अलावा मुझे आजकल जैसे अभी हल्की हल्की सर्दियां आ गई, सो ऑलरेडी मौसम ठंडा है, तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले कई बार ऐसा होता है कि मेरा ना सीरम और फेशियल ऑयल ये सब लगाने का मन नहीं होता है, बट एक मॉइस्चराइजर मुझे लगाना होता है जो इतना मुझे हाइड्रेट कर दे कि स्किन ड्राई भी ना हो और ऑयली भी ना हो. तो ये नॉर्मल स्किन वालों के लिए तो बहुत ही परफेक्ट है और स्पेशली विंटर्स में, जब बहुत ज्यादा विंटर्स होते हैं, तो ये ऑयली स्किन वालों को भी सूट करेगा. मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल भी नहीं है, बट एक मिड रेंज में आता है. आई थिंक 200 समथिंग का है. मुझे ये प्रोडक्ट सच में बहुत पसंद आया है. आज जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उसके लिंक्स मैं नीचे दे दूंगी. आपको ब्लू कलर का एक लिंक दिखेगा प्रोडक्ट के सामने, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली जाके खरीद सकते हैं. ये नॉर्मल स्किन वालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है फॉर समर्स एंड विंटर्स, एंड ऑयली स्किन वालों के लिए विंटर्स में तो और भी अच्छा है. ड्राई स्किन वालों के लिए मैं नहीं बोलूंगी बिकॉज ड्राई स्किन वालों के लिए थोड़ा सा और मॉइस्चराइजर चाहिए, जिसके लिए मैं आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाऊंगी. जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास है वो है ये वाला लॉरियल का हाइड्रा फ्रेश एंटी ऑक्स और ये एक बाम है और ये परफेक्ट है नॉर्मल स्किन वालों के लिए विंटर्स में और जिनकी बहुत ही ज्यादा ड्राई स्किन है. सो अगर ये वाला प्रोडक्ट अगर मैं बात करूं तो इस पे लिखा ही है हाइड्रेटिंग एक्वा बाम, तो अगर आपकी बहुत ही ज्यादा ड्राई स्किन है तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो भी आप विंटर्स में आपके लिए भी बहुत अच्छा है. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मैं ये नहीं रेकमेंड करूंगी. अगर आपको यूज करना ही है तो आप बहुत ही थोड़ा सा लेना, लेकिन ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल और बहुत ज्यादा ड्राई स्किन वालों के लिए है, तो मैं विंटर्स में भी इसको थोड़ा सा लेती हूँ. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो थोड़ा आप ज्यादा ले लीजिए. ऑयली स्किन वालों के लिए इसके बाद में एक और प्रोडक्ट दिखाऊंगी, और इससे पहले जो मैंने दिखाया था वो ऑयली स्किन वालों के लिए काफी अच्छा है. सो या ये थोड़ा सा महंगा है, आई थिंक 400 समथिंग का है, बट ट्रस्ट मी गाइज आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लेने की जरूरत ही नहीं है. बिल्कुल थोड़ा सा, लाइक लिटरली मैं इतना सा लेती हूँ और मेरे फेस के लिए काफी है. और ये मैंने लास्ट ईयर विंटर्स में लिया था और मैं अभी भी यूज कर रही हूँ, और विंटर्स बढ़ने लगेंगे और बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी तो मेरी स्किन को सबसे ज्यादा अगर जरूरत पड़ेगी तो इस मॉइस्चराइजर की पड़ेगी. यू शुड इन्वेस्ट यू नो इन अ गुड क्रीम, एंड स्पेशली अगर आप 30s में होते हैं या लेट 20s में हैं, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है आपकी स्किन की हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए. सो गो हैड बाय दिस इफ यू हैव ड्राई स्किन एंड यू विल लव दिस. द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई विल शो इज फॉर अगेन ऑयली स्किन पीपल फॉर विंटर्स. जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है और वो है बहुत ही अच्छा विंटर्स में ऑयली स्किन वालों के लिए, और ये है बायोटिक का सीरम और बायो डेंडेलियन सीरम है. ऑयली स्किन वालों के लिए परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट समर्स में. ऑल्दो ये सीरम है लेकिन ऑयली स्किन वाले इसको एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं. सो ये बायोटिक वाला जो सीरम है, बेसिकली अभी हल्के विंटर्स है तो मैं इसको आजकल मेकअप करने से पहले यूज करती हूँ,
तो मैं ये कहूंगी कि सीरम भी बेसिकली क्या होता है, इट इज लाइक अ मॉइस्चराइजर, पर उसमें ऑयल कंटेंट बहुत कम होता है। सीरम लिखा है लेकिन एज अ मॉइस्चराइजर भी इसे आप यूज कर सकते हैं अगर आपकी ऑयली स्किन है, और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो इसको एज अ सीरम यूज करिए, लेकिन उसके बाद एक मॉइस्चराइजर भी यूज करने की जरूरत है। और अगर आपकी ड्राई स्किन है, बहुत ही ज्यादा ड्राई स्किन है, तो अगर आप चाहें तो इसको एज अ सीरम यूज कर सकते हैं, और इसके बाद कोई बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, जैसे कि ये वाला लॉरियल का जो मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया ड्राई स्किन वालों के लिए। तो ये सीरम जो है बेसिकली ऑयली स्किन वाले मॉइस्चराइजर की तरह यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ही अफोर्डेबल है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपकी अगर ऑयली स्किन है तो आपकी स्किन को ये परफेक्ट मॉइस्चराइजर का काम करेगा, आपको ये प्रोडक्ट 100% पसंद आएगा। एंड जैसा कि मैंने कहा, ये सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं नीचे दे दूंगी आप लोगों को। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो अगेन बहुत ही ज्यादा ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए है, और नॉर्मल स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है जब आप विंटर्स में यूज करें। सो ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये है गुड वाइब्स का आर्गन ऑयल, ये है फेशियल ऑयल। तो मैंने बेसिकली जब गुड वाइब से शॉपिंग की थी तो मैंने खरीदा था रोज हिप ऑयल और आर्गन ऑयल। रोज हिप ऑयल ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत सही रहेगा विंटर्स में, लेकिन आज मैं रिव्यू कर रही हूँ इस प्रोडक्ट को जो कि है आर्गन ऑयल, और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है नॉर्मल एंड ड्राई स्किन वालों के लिए विंटर्स में। सो अभी तक मैं यूज कर रही थी रोज हिप ऑयल, और अब जब विंटर्स आ रहे हैं तो मैंने रोज हिप ऑयल यूज करना बंद कर दिया है, और अब मैं इसके लेती हूँ सिर्फ लाइक 2 ड्रॉप मेकअप करने से पहले, या वैसे भी रेगुलर डेज पे जैसे मैं सुबह फेस वॉश करके आती हूँ तो मैं सबसे पहले ये लगाती हूँ, उसके बाद कोई और मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। तो ये बेसिकली आर्गन ऑयल काफी थिक ऑयल है, इसमें 2 आते हैं, एक गोल्डन लीव्स और सिल्वर लीव्स। पर्सनली मुझे लगता है कि इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप गोल्डन लीव्स लो या सिल्वर लीव्स लो, लेकिन इसकी जो थिकनेस है वो ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो विंटर्स में ये एक फेशियल ऑयल है, ये इसको जरूर लीजिए, ये काफी अफोर्डेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तब भी आपके लिए ये बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि नॉर्मल स्किन वालों की स्किन विंटर्स में थोड़ी ड्राई तो हो ही जाती है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो फिर आप रोज हिप ऑयल यूज कर सकते हैं, उसका रिव्यू मैं अपने एक दूसरे वीडियो में कर चुकी हूँ, गुड वाइब्स वाला वीडियो मैं नीचे लिंक कर दूंगी। सो ये था प्रोडक्ट स्पेशली फॉर ड्राई स्किन एंड नॉर्मल स्किन पीपल फॉर विंटर्स। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वो है एक सनस्क्रीन, और वो है मैट क्रीम जी ब्लॉक, और ये है फ्रॉम द वेबसाइट emegamart.com। इसमें है SPF 50, और ये बहुत ही अच्छा लगा, इसका बिल्कुल ही मैट फिनिश है, बिल्कुल ऑयली नहीं है, तो ये स्पेशली जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं ना वो इसको यूज कर सकते हैं। तो मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि एक तो ये मैट फिनिश देता है, ऊपर से देखो यहाँ पे लिखा है पैराबिन फ्री, और बिल्कुल ही मॉइस्चराइजर का भी सही काम करता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये नॉर्मल स्किन वालों के लिए और ऑयली स्किन वालों के लिए विंटर्स में बिल्कुल परफेक्ट है। सो ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको दिखाए इनमें से किसी किसी में थोड़ा बहुत सनस्क्रीन होता है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, जिस दिन धूप नहीं निकलती है ना विंटर्स में, ये मत सोचिए कि आपकी स्किन पे सनरेज नहीं पहुंच रहे हैं या आप टैन नहीं हो रहे हैं। सनस्क्रीन हम सिर्फ इसलिए नहीं लगाते कि टैनिंग ना हो, सनस्क्रीन लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो यूवी रेज होते हैं उससे आपकी स्किन डैमेज होती है, उससे एजिंग जल्दी होती है, उससे रिंकल्स आते हैं। तो डे टाइम में जब भी आप बाहर निकले एक सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। तो मेरे को ई मेगा मार्ट वालों ने कुछ प्रोडक्ट्स भेजे थे जिनमें से मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया। सो इस प्रोडक्ट का जो डिटेल में रिव्यू है वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे कर चुकी हूँ, मैं उसको नीचे लिंक कर दूंगी अगर आप लोगों को देखना होगा। जो स्किन केयर की जहां बात आती है, चाहे वो विंटर्स हो कि समर्स हो, एक SPF प्रोडक्ट भी आपके स्किन केयर में हमेशा होना चाहिए। और नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसकी मैं बात करूंगी अगेन वो कुछ हाइड्रेशन मिस्ट है। सो गाइस द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम प्लम, आप लोग जानते हैं दिस इज सच अ गुड ब्रांड, और ये मैंने एक्चुअली मंगाया था समर्स में, पर समर्स में ऑलरेडी यू नो वेदर ह्यूमिड होता है तो मैंने इतना यूज नहीं किया था, बट नाउ विंटर्स आ रहे हैं तो अब मैंने इसको काफी यूज करना शुरू किया है। और ये है एक्चुअली सेंसिटिव नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, और ऑयली स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं विंटर्स में, पर वैसे नॉर्मल टू ड्राई वाले पूरे साल ही यूज कर सकते हैं।
सो गाइस, इस प्लम वाले न्यूट्रीप्लेनिश फेस मिस्ट है ये बेसिकली। इसको अगर आप चाहे तो एज अ मेकअप फिक्सर भी यूज कर सकते हैं, पर मैं इसको पर्सनली आपको पता है क्यों खरीदा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेकअप करने के बाद ना अंडर आईज एरिया में थोड़ा ड्राइनेस फील होता है, मतलब जब आपकी 30s में एज होती है तो ये चीजें होती हैं, फेस बहुत ही ड्राई या डल फील होता है, तो कई बार मेकअप करने के बाद ऐसा ज्यादा लगता है कि आपको स्किन ड्राई लग रही है, तो मैं इसको लेती हूँ और बस इसकी स्मेल भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और मेरा भी फिर से मन कर ही रहा था लगाने का, क्योंकि मैं ना बैक टू बैक वीडियोस शूट कर रही हूँ और अब मुझे अपनी स्किन में ना वो खिंचाव सा फील हो रहा है, जैसे ड्राइनेस, और एक होता है ना टायर्डनेस फील होती है, वो फील हो रही थी। मुझे ये पसंद है और ये बहुत इजीली ड्राई हो जाता है और आपके फेस को एक बहुत ही सॉफ्टनेस सी दे देता है। ये प्रोडक्ट आई थिंक 400 समथिंग का है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, अगर आपको ड्राई स्किन है, आपकी नॉर्मल स्किन है, तो विंटर्स में ये प्रोडक्ट आपके लिए परफेक्ट है। आई डोंट थिंक ये ऑयली स्किन वालों को इतनी ज़रूरत है, क्योंकि ऑयली स्किन वालों की विंटर्स में स्किन अच्छी हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल वालों की बहुत ड्राई हो जाती है और ड्राई वालों की तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। ये प्रोडक्ट जैसे कि मैंने कहा ड्राई और नॉर्मल स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। फाइनली द लास्ट प्रोडक्ट विच आई वॉन्ट टू शो यू गाइज इज अ बॉडी बटर, और ये फेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ये वीडियो कम्प्लीट नहीं हो सकती अगर मैं आप लोगों को एक ऐसा प्रोडक्ट ना दिखाऊं जो बॉडी के लिए हो, क्योंकि खाली फेस को थोड़ी ना हाइड्रेट करना होता है, विंटर्स में पूरी बॉडी इतनी ड्राई होती है। एक सबसे जो सस्ता तरीका है और ईजी तरीका है वो है ग्लिसरीन रख सकते हैं आप अपने बाथरूम में और नहाने के बाद हमेशा लगाइए। लेकिन हाँ, अगर आपको एक बहुत ही अच्छा बॉडी बटर चाहिए, थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है, इस पे 550 लिखा है बट आई थिंक 400 समथिंग का मिल जाता है, और ये है नाइका का वंडरलस चेरी ब्लॉसम। ये मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ पहले, इसका पूरा सेट है मेरे पास। इसमें से जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। ये प्रोडक्ट ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है और नॉर्मल स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छी है, और पर्सनली मैं नहाने के बाद अपने पैरों पे हाथों पे पूरा लगाती हूँ और मुझे बहुत पसंद है ये प्रोडक्ट। आई जस्ट थॉट कि ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकती अगर मैं बॉडी की हाइड्रेशन को कवर ना करूं, क्योंकि सिर्फ फेस की बात नहीं है यार, हाथ पैर भी अच्छे दिखने चाहिए, और तो मैं फीट, हैंड्स, हाथ, पैर सब जगह मुझे ये प्रोडक्ट इतना पसंद आया है कि मैं इसको आजकल ऑलरेडी यूज कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ पे अभी तक विंटर्स नहीं आए हैं उतने तो आप और कुछ दिन बाद करिए, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा बॉडी बटर है। बॉडी लोशन जो होता है ना उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा होता है, लिक्विड कंटेंट, तो वो ज्यादा देर नहीं टिकता है। बॉडी बटर थोड़ा और भी ज्यादा थिक होता है, इसीलिए ये ड्राई स्किन वालों के लिए और नॉर्मल स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, गो डू चेक आउट ऑल द लिंक्स एंड द प्रोडक्ट्स व्हिच आई हैव शेयर्ड विद यू टुडे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड लेट मी नो आप और कौन से टाइप के वीडियोज देखना चाहेंगे मेरे चैनल पे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज शेयर माई वीडियो, एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।